सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कुछ इस प्रकार का सरस्वती पूजा फोटो एडिटिंग करने के लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भाई हम बिल्कुल ही सरल तरीके से बताया हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया हूँ एडिटिंग करना। तो आप सिंपली वीडियो को फुल वॉच कीजिए और आपको ये वाला बैकग्राउंड ले लेना है। लेने के बाद आपको सिंपली भाई अगर पिक्सआर्ट में ब्लैक वाला प्रॉब्लम आ रहा है ना, ब्लैक स्क्रीन का वाला रिकॉर्डिंग करने में, तो उसका भी लिंक मैंने भाई डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके वो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद से ये वाला आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद से इसको ऊपर की तरफ जूम करके ना कुछ इस प्रकार से आपको मतलब ऐसे आपको ऐसे लगा देना है, जूम करके ऐसे मतलब फिक्स कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद से आपको सिंपली करना क्या है, फिर से हम लोग जाएंगे भाई ऐड में, इसको मतलब भाई करके ऐड में जाएंगे, ऐड पे सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से कुछ इस प्रकार से आपको ये वाला मतलब भाई जो है ना, जो सरस्वती पूजा सरस्वती जी हैं, इनको ले लेना है। लेने के बाद से कुछ इस प्रकार के इनको जूम करके, और जूम करके ना जो इनका ना भाई ऊपर का सर है ना, वो थोड़ा सा ऊपर कर देना है, ऐसे कुछ इस प्रकार से आपको एडजस्ट कर देना है। जैसे मैं किया हूं ना, वैसे आप सिंपल एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद से आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप भूल जाते हैं। तो आपको सिंपली फिर से आना है और ये लड़की है ना, इस लड़की को ले लेना है, जो मतलब भाई थाली ली हुई है उसको हमने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद से हम लोग जाएंगे थोड़ा नीचे हम लोग भाई स्वाइप करेंगे और लिखा है, देख सकते हो यहाँ पे फ्लिप प्रोरेट लिखा है ना, फ्लिप प्रोरेट, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और तीसरे नंबर वाले पर क्लिक करके कुछ इस प्रकार से कर लेना है। और उसके बाद से इसको हम लोग भाई जूम या फिर छोटा करके आपको मतलब ऐसे कुछ एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि इसके नीचे का जो पार्ट है ना वो दिखे ना, मतलब भाई पूरा नीचे चला जाए, मतलब उसका दिखे ना कि आधा पार्ट है, कुछ इस प्रकार से आपको मतलब सिंपल एडजस्ट कर लेना है। जैसे मैं आपको एडजस्ट कर रहा हूँ ना, आपको भी सिंपली ऐसे ही एडजस्ट करना है। जैसे मैं एडजस्ट कर लिया हूँ, फिर से मैं जाऊँगा ऐड में। ऐड में जाने के बाद से आपको अपना फोटो लेना है, जो आपका फोटो होगा ना और उसका बैकग्राउंड रिमूव ऐसा नहीं कर पाते हो तो वन क्लिक में करना चाहते हो, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर डाउनलोड मतलब भाई देख लीजिएगा उसको भी, वन क्लिक में कैसा भी बैकग्राउंड हो भाई मतलब हट जाएगा उसका। से कुछ इस प्रकार से हम लोग अपना फोटो मतलब भाई ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद से करना क्या आपको सिंपली भाई, अच्छे देखो मतलब ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद जो लेयर वाला ऑप्शन है ना, अपने फोटो पे क्लिक करना है। अपने फोटो पे क्लिक करने के बाद जो दो लेयर बता रहे ना, जो इरेज के ऊपर है उस पर क्लिक करना है, और मूव डाउन लिखा है उस पर मूव डाउन पे भाई क्लिक करना है। दो बार नहीं करना है, एक बार करना है, तो क्योंकि भाई जो थाली है ना उसके आप पीछे चले जाएंगे, और दो बार करेंगे तो सरस्वती जी के पीछे चले जाएंगे, तो आपको एक बार करना है और कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है। और भाई आपको सिंपली करना क्या, इसको मतलब भाई सिंपली ऐसे एडजस्ट करना है, लड़की को छोटा करना है, अपने हाइट से लड़की को छोटा करना है। जैसे मैं लड़की को छोटा कर रहा हूँ हल्का सा, क्योंकि अपने से बड़ी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा ना। उसके बाद से आपको सिंपली कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और आप अपने फोटो को कुछ इस प्रकार के मतलब अच्छे से एडजस्टिंग कर लेना है, जिससे आपका वीडियो बहुत मतलब भाई फोटो बहुत ही अच्छा और बहुत ही कमाल का लगेगा। और इसका स्टेटस मैं बनाने वाला हूँ, तो भाई आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लिंक मतलब भाई सब्सक्राइब करोगे तभी तो नोटिफिकेशन पाओगे ना, तो भाई आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भाई ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और फिर से इसको लेकर ना हम लोग कुछ इस प्रकार से मतलब भाई जाएंगे फ्लिप रोरेट पे, और इसको तीन नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और कुछ इस प्रकार से रोरेट कर लेंगे, कि वो मतलब भाई लेफ्ट साइड चला जाएगा, और हम लोग कुछ इस प्रकार से ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ ना, वैसे आप भी कर लीजिएगा। और इरेज वाले को ऊपर वाला जो लेयर है ना उस पर हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे, और जो मूव डाउन है उस पर क्लिक कर देंगे मूव डाउन पे, क्योंकि ये पीछे चला जाएगा हम लोगों के, जो कि बहुत ही माल का इफेक्ट दे रहा है। तो हम लोग फिर से इसी पे क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट ऑप्शन है ना उस पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेंगे, दो बार हो जाएगा। तो उसके बाद से सिंपली इधर लेकर आएंगे और फिर से जाएंगे फ्लिप प्रोरेट पे, और फ्लिप प्रोरेट में जाने के बाद ना आपको सिंपली तीसरा नंबर पे फिर से क्लिक करना है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, राइट साइड आ जाएगा। तो हम लोग फिर से ऐसे इधर भी लगा देंगे, मतलब भाई सीधा लगा देंगे। लगाने के बाद से हम लोग फिर से मूव डाउन पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद से ये पीछे चला जाएगा और बहुत ही कमाल का लगेगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। तो वीडियो को आपके लिए बना रहा हूँ, तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। 500 सब्सक्राइबर पर हम लोग आने वाले हैं। उसके बाद से हम लोग ये टीका वाला ऐड कर लेंगे ऐड में जाकर, और इसको हम एडजस्ट करेंगे अपने माथे पे एडजस्ट करेंगे। पहले हम लोग बैकग्राउंड में जो एडिटिंग किया ना उसको पहले सेव करके और तब इसको ऐड करना है, नहीं तो इसका भाई मतलब इधर उधर मतलब आप जूम करोगे ना तो आपको मतलब आपका फोटो जूम हो जाएगा, तो आपको मतलब जैसे भी एडजस्ट किया हो ना वो मतलब ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए आपको मैं टीका करके मतलब भाई बहुत ही एडजस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद से आपको सिंपली थोड़ा नीचे स्लाइड करना है और ब्लेंडर जो ऑप्शन है ना उस पर क्लिक करना है, ब्लेंडर ऑप्शन पे, और मल्टीप्लाई पे क्लिक कर देना है। मल्टीप्लाई पे क्लिक करने के बाद से आपको सिंपली जाना है इरेज वाले बटन के ऊपर, जो लेयर है ना दो लेयर है उस पर हम लोग सिंपली से वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से डुप्लीकेट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा, और फिर अपने माथे पे
इसे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे जूम करके। तो भाई मैं देखो जूम कर रहा हूँ तो देखो मेरा फोटो इधर से उधर हो गया। तो आपको इसलिए मैं बताया हूँ, आपको पहले सेव कर लेना है तब इसको मतलब भाई ऐड करना है। तो मैं सिंपली मैं इसको ऐड कर ले रहा हूँ और उसके बाद से मेरा ऐड हो चुका है। बहुत ही कमाल का लग रहा है, देखो भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही कमाल का दिख रहा है कितना, मतलब भाई बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसको मैं लाइट रूम में भी मतलब भाई रिटच किया हूँ, तो आप उसको पूरा फुल देखिए, अभी कभी मतलब फुल देखिए, इसी में आया सब कुछ। उसके बाद से आपको सिंपली आपको फिर से ये वाला मतलब ऐड कर लेना है, ये वाला जो PNG है ना, इसको फिर से आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद से इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ हम लोग लेफ्ट साइड या राइट साइड, आप मतलब लेफ्ट साइड में भी या फिर राइट साइड में आपको जो यहाँ पे अच्छा लगे वहाँ पे आप मतलब एडजस्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे मतलब लेफ्ट साइड में एडजस्ट कर रहा हूँ थोड़ा जूम करके, और हम लोग थोड़ा सा और नीचे करेंगे। तो बहुत ही कमाल का लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद से हम लोग इसको भाई सेव करके और लेके चलेंगे लाइट रूम के अंदर। तो हम सिंपली इसको सेव कर लिए हैं तो लाइट रूम के अंदर आ गए। उसके बाद से हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद से हम लोग फिर से जाएंगे ऑल फोटोज में, और जहाँ पे मैंने ऐड किया है ना ये वाला फोटो, तो इसको मैं ले लेता हूँ। लेने के बाद से आपको सिंपली करना क्या है, अब मैं ये वाला फोटो ले लिया हूँ ना, तो उसके बाद से आपको जाना है भाई सीधे लाइट वाले में जाना है। और जो वाइट्स है ना, जो वाइट है वाइट वाला, उसको हल्का सा हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस मतलब भाई 20 कर देंगे, -20। और ब्लैक है ना, इसको 12 कर देंगे, प्लस में 12। तो देख लीजिए -20 और 12। उसके बाद हम जाएंगे मिक्स में, और मिक्स में जाने के बाद से ग्रीन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ग्रीन वाला है ना कलर, उस पे क्लिक करेंगे। और जो ये पत्ता दिख रहा है ना, पत्ता जहाँ जहाँ ग्रीन रहेगा ना वहाँ वहाँ आप कलर देखिएगा। तो हम लोग सिंपली इसको प्लस में करेंगे, प्लस करेंगे भाई सिंपली आपको इसको प्लस में ऐसे कर देना है 80 तक करेंगे, 80-85 तक रख सकते हो आप, बहुत ही कमाल का लगेगा। उसके बाद से आपको सिंपली मतलब मैं इसको रख देता हूँ, देखो भाई 62 या फिर 80 तक रखना है, बहुत ही कमाल का लगेगा। और इसको थोड़ा सा लुमिनस ना माइनस कर देंगे, -21। उसके से येलो पे क्लिक करेंगे, और येलो वाला अपना इसको भी प्लस करेंगे, प्लस भाई हम लोग कर देंगे इसको 70, इसको प्लस भाई 70 कर लेना। उसके से लुमिनस करना हम लोग हल्का सा माइनस कर देंगे, -17 कर देंगे। उसके से ऑरेंज वाला पे क्लिक करके आपको सिंपली इसका सिचुएशन ना हम लोग 15 मतलब कर लेंगे भाई, 15 है ना, 15 कर लेंगे, फिर 14 कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सिंपली रेड वाला कलर पे क्लिक करेंगे, जो रेड वाला कलर है उस पर क्लिक करेंगे, और इसका सिचुएशन हम लोग प्लस कर लेंगे भाई 68 या फिर 70, आप कर सकते हो 68-70 के मतलब भाई रख लेना। और उसको आज सिंपली डन कर देना, जो डन वाला ऊपर वाला उस पर क्लिक कर देना। और जिसका नीचे वाला सिचुएशन दिख रहा है ना, इसको हम लोग भाई 15 कर लेंगे, 15 कर लेंगे, इसको प्लस में 15 कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ ना। उसके बाद से आप इसका भाई मतलब कलर देखिए, मैं कुछ दिखा रहा हूँ क्या ही मतलब एडवांटेज आया है। तो हम लोग का पहले फोटो इस तरह रखा, पिक्स आर्ट में हम लोग का फोटो कुछ इस प्रकार के था, देखो भाई हम लोग का फोटो कुछ इस प्रकार था, और भाई अब जाके यहाँ पे इस प्रकार का हो गया, तो बहुत ही कमाल का लग रहा है। और भाई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए मेरा, तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा।